मूवी शुरू होती है स्क्रीन पर। हम एक टीवी को चलता हुआ देखते हैं, जहां टीवी में होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। ये लड़की हाल ही में एक कत्लेआम में जिंदा बची थी। दरअसल कुछ दिन ही पहले एक खौफनाक तरीके से कत्लेआम शुरू हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। सबको मारने वाला एक जोकर था, एक बहुत अजीब सा जोकर जो बिना किसी वजह से लोगों को मार दिया करता था, और वो भी आम तरीके से नहीं बल्कि काफी बुरी तरीके से मारता था। इस जोकर का नाम आर्ट दी कलाउं होता है, और इस वीडियो में हम इस जोकर को आर्ट कहेंगे। यहाँ पर ये लड़की तो बच गई थी, लेकिन आर्ट ने इस लड़की की शकल का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। उसकी चेहरे का हुलिया इतना बेकार कर दिया था कि देखने में काफी डरावनी लग रही थी। अब जो टीवी हम देख रहे थे, यानी जिसमें ये इंटरव्यू चल रहा था, ये आर्ट का था, और वो भी इसे देख रहा था। जिसके बाद वो अपने पैर से मारकर टीवी को तोड़ देता है, और वो फिर से लोगों को मारने के लिए तैयारी करने लगता है, जिसमें वो सबसे पहले अपना जोकर वाला मेकअप करता है, जिसके बाद वो लोगों को मारने वाला खतरनाक हथियार को उठाता है। दूसरे सीन में टीवी होस्ट इंटरव्यू के बाद फोन पर अपने दोस्त से बात करने लगती है। बता रही थी जो लड़की आज आई थी वो बहुत ही बदसूरत थी। अभी वो अपने दोस्त से ये कह ही रही थी कि तभी उसके पीछे से कुछ हिलने की आवाज आती है। वो चेक करने जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था कि तभी अचानक से वही इंटरव्यू वाली लड़की आती है और उसके आंखों में अंगुलियां घुसाकर उसकी आंखों को ही फोड़ देती है, जिसके बाद वो उसकी चेहरे का हुलिया बिगाड़कर उसकी जान ले लेती है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब से जोकर ने उसकी चेहरे की हालत खराब किया था, तब से वो पागल हो गई थी, और इसीलिए वो इस टीवी होस्ट को मार दिया। आगे हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थीं। इनमें से एक लड़की का नाम तारा होता है, और ये दोनों पार्टी से घर के लिए लौट रही होती हैं, और वो पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं बल्कि हेलोवीन पार्टी थी। मतलब कि आज की रात हेलोवीन की रात है। हेलोवीन एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अलग अलग के कपड़े और मास्क लगाकर फिरते हैं। आर्ट भी हेलोवीन पर ही निकलता है एक के बाद एक की शिकार करने के लिए। जब ये दोनों बातें कर रही थीं, तब आर्ट भी इनकी पास से ही गुजर रहा था, जिसकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है। उसे देख तारा की दोस्त उससे मजाक करने लगती है, मगर अगले ही पल वो गायब हो जाता है, जिसके बाद दोनों लड़कियां एक पिज्जा की दुकान पर आती हैं, और इनके पीछे पीछे आर्ट भी आ जाता है, और अंदर आते ही तारा को घूरने लगता है। ये चीज तारा को काफी अजीब लगने लगता है, लेकिन उसकी दोस्त आर्ट के पास जाकर उसकी तस्वीर लेने लगती है, और ये चीज भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिसके बाद आर्ट अपनी अंगूठी निकालकर तारा को पहना देता है, जिससे तारा को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी दोस्त को ये देखकर बहुत अच्छी लगती है। आर्ट वॉशरूम में जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिसे ये देखकर दुकान का मालिक उसे दुकान से निकालकर भगाने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों उस दुकान से निकलकर अपने घर के लिए जाने लगती हैं, मगर देखती है कि गाड़ी का टायर तो पंचर है। अब तारा अपनी बहन, जिसका नाम विक्टोरिया था, उसे कॉल करके अपने पास मदद के लिए बुला लेती है। अपने दोस्त को बताती है कि मुझे वो जोकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और हो सकता है कि टायर उसी ने पंचर किया हो, क्योंकि उसने हमारी गाड़ी देख लिया था। उधर आर्ट में दुकान के ऑर्नर को बहुत ही बुरी तरह मारकर उसके चेहरे पर आग लगा दिया होता है कि तभी उसके दूसरे वर्कर को भी पकड़कर उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर उसकी जीभ को बाहर कर देता है। यहाँ पर तारा को वॉशरूम जाना था, लेकिन यहाँ पर कहीं भी वॉशरूम दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर पड़ती है, जहाँ से गार्ड बाहर आता हुआ दिखाई देता है। तारा उसके पास जाकर उसकी वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगती है, लेकिन वो उसे अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बस काम करता हूँ, तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जब तारा जिद करने लगती है, तो वो गार्ड मान जाता है और उसे अंदर जाने का इजाजत दे देता है, और वो उसे वॉशरूम के पास छोड़कर चला जाता है। गाड़ी में बैठी तारा की दोस्त रेडियो न्यूज पर सुनती है कि पिज्जा शॉप की मालिक और उसकी वर्कर को मौत हो चुकी है, और उन्हें मारने वाला एक जोकर जैसा दिखने वाला आदमी है, जिसने अपने हाथ में एक बैग भी पकड़ा हुआ था। और इस न्यूज को सुनते ही वो समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी जोकर आर्ट का था। तभी गाड़ी में तारा आकर बैठ जाती है, और जब वो इस सब के बारे में बताने के लिए जब तारा की तरफ देखती है, तब उसे पता चलता है कि ये तो तारा नहीं बल्कि आर्ट होता है। तारा जब वापस लौट रही थी, तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो चेक करने तो जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था कि तभी अचानक से एक औरत आ जाती है, और उसे देखकर तारा अचानक से डर जाती है, और वो औरत अपने हाथ में एक गुड़िया पकड़ी हुई थी, जिसे वो अपनी बेटी कह रही थी। दरअसल
दरअसल ये औरत पागल थी। तारा भी उसे अपनी बातों में उलझा कर आगे बढ़ जाती है कि तभी उसकी भी सामना आर्ट से हो जाती है, जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वो एकदम शांत खड़ा हुआ था और हिल भी नहीं रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद वह तारा को डरा देता है, जिसके बाद तारा डर कर भाग कर एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है। आर्ट भी उसे ढूंढने के लिए वहां पर आता है, लेकिन जब उसे तारा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती तब वह यहां से चला जाता है। तारा को लगता है कि आर्ट वहां से चला गया, तब वो यहां से बाहर आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से आर्ट उस पर हमला कर देता है और अपने हथियार से उस पर कई बार वार करने लगता है। फिर वो उसकी गले को दबाने लगता है और अब वह उसे जान से मारने ही वाला था। लेकिन तभी तारा के हाथ एक नोकदार चीज लग जाती है और वह उसे आर्ट पर हमला करके वहां से भाग जाती है। अब यहां का दरवाजा तो बाहर से बंद था, जिसे वो नहीं खोल पाती, इसीलिए वो इधर ही छुप जाती है। और जब आर्ट उसके पास आने लगता है कि तभी वो कोई चीज फेंक कर उसकी ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और आर्ट भी दूसरी तरफ जाने लगता है। अब वहां से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि आर्ट ने यहाँ की दरवाजे को पहले से बंद कर दिया होता है। वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाती है, तब सामने एक गार्ड को देखती है। वो उसे काफी आवाजें लगाकर बुलाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं सुनता क्योंकि वो गार्ड गाने सुनने में मगन होता है। लेकिन यहाँ पर तारा की आवाज को आर्ट सुन लेता है और उसके पास आ जाता है और पीछे से उसे पकड़कर उसके गले में इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में जब तारा को होश आता है तब वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाती है और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था और उसके पास में ही आर्ट भी बैठा हुआ होता है। और जब वो देखता है कि तारा को होश आ गई है तब वो इसे अपने हथियारों से डराने लगता है। फिर वो एक आरी को लाता है और सामने के पर्दे को हटाता है, जहां उसने तारा की दोस्त को उल्टा लटका दिया होता है, क्योंकि गाड़ी में जब वो उसके साथ में बैठा था तब उसने तभी उसे पकड़ लिया था। और अब वो यहां पर तारा की दोस्त की पेट को काट कर दो हिस्से में कर देता है। अपनी दोस्त का इतना बुरा हाल देखकर तारा की तबीयत भी खराब होने लगती है, मगर फिर वो हिम्मत करती है और काफी कोशिश करने के बाद वो खुद को छुड़ा लेती है। वो उसी के हथियार से आर्ट पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। आर्ट भी उसके पीछे जाकर ढूंढने लगता है, मगर वो पीछे से आकर एक बार फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसे काफी देर तक मारती रहती है। अब जब तारा उस पर भारी पड़ रही थी तब वो यहाँ पर बेईमानी करता है और वो अपने हाथों से नहीं बल्कि गन का इस्तेमाल करता है। वो गोली पहले उसकी टांग पर मारता है और बाद में उसकी चेहरे पर, जिससे वो काफी जख्मी और अधमरी हो चुकी थी। अब गन में गोलियां खत्म हो गई थीं, इसलिए जब वो गोलियां लेने जाता है तब उसे यहां पर तारा की मोबाइल मिलता है, जिस पर तारा की बहन विक्टोरिया की मैसेज आया होता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर आ गई हूँ। तब आर्ट तारा बनकर मैसेज करता है और पीछे के दरवाजे से अंदर आने को कहता है। ऐसा करने के बाद वो तारा की दोस्त के लाश के साथ तस्वीर बनाता है और लाश की बहुत ही बुरा हाल हो चुकी होती है, मतलब कि शरीर पूरे दो हिस्से में बटा हुआ था। और अब वो जाता है तारा के पास और उस पर भी अंधाधुन गोलियां चलाकर उसे भी मार देता है। और वो पागल औरत भी उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है और ये सब देखकर उसी गार्ड के पास जाती है और उसे इसके बारे में समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर वो नीचे जाकर किसी को कॉल करने लगता है, मगर तभी यहाँ पर आर्ट आकर हथौड़े से उस पर हमला कर देता है। पागल औरत देखती है कि उसका बच्चा, जो कि गुड़िया थी, वो गायब हो चुकी है, मगर अगले ही पल उसे आर्ट दिखाई देता है, जिसके हाथ में वो अपने बच्चे को देखती है। वो इसके पास जाकर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है? क्या तुम में भी ममता नहीं? तुम्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता? यह कहकर वो आर्ट को अपने गले से लगा लेती है, जैसे वो कोई बच्चा हो, और वो भी ऐसी एक्टिंग करता है जैसे वो सचमुच का बच्चा ही हो। अब विक्टोरिया भी अंदर आ जाती है और तारा को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी बेल की आवाज अंदर उसे सुनाई देती है तो वहां चेक करने जाती है। अंदर आकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर तारा की दोस्त की कटी हुई लाश को देखती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। विक्टोरिया समझती है कि ये तारा है। वो चेक करने जब नीचे जाती है तो वहां पर एक औरत को जमीन पर देखती है, जो वहां जमीन पर वो रेंग रही थी क्योंकि वो काफी जख्मी थी। वो तारा समझकर उसके पास जाती है, मगर तभी उसकी नजर वहां पर पड़ी उस पागल औरत पर जाती है। वो भी काफी जख्मी थी क्योंकि आर्ट ने उसके सीने और सिर को काट कर बुरा हाल कर दिया था और अब वो बस मरने ही वाली थी। अब यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात तो ये होती है कि जब पागल औरत यहाँ पर है तो ये कौन है जो विक्टोरिया के सामने पड़ी हुई है अपना सिर नीचे करके। और तभी हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आर्ट है, जो वो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए यहाँ औरत का भेस बनाकर लेटा हुआ था। वो उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन विक्टोरिया जैसे तैसे करके यहाँ
वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है और वो ऊपर जाकर एक अलमारी में छुप जाती है। तभी यहाँ आर्ट भी आ जाता है, जो ये वो जान चुका था कि वो अलमारी में छुपी है। मगर इससे पहले वो विक्टोरिया के साथ कुछ करता, उसे हॉर्न की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए वो यहाँ से निकल जाता है। दरअसल बाहर उस गार्ड का साथी आया हुआ था जिसे अंदर आना था। वो कारपेट हटाता है तो वहाँ पर चाबी पड़ी हुई थी। तब दरवाजा खोलकर वो अंदर आ जाता है। वहाँ पर उसे नीचे खून के निशान दिखते हैं, जो जाहिर है काफी अजीब था। मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आर्ट पीछे से आता है और एक नोकदार चीज से उसके सर पर वार कर देता है। फिर वो उसका गला काट कर धड़ से अलग कर देता है। विक्टोरिया भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो अपने सामने आर्ट को देखती है, जो उसके सामने छोटे बच्चे की साइकिल चला रहा था। मगर अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो जाता है और वो साइकिल वहीं पर गिर जाती है। वो यहाँ से बचते हुए निकलने की कोशिश करती है, मगर पीछे से आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है। वो शॉपर से उसका दम घोट कर मारने ही वाला था, मगर वो बच जाती है। फिर वो एक नोकदार चीज को उठाकर उसके पैर पर मारती है और वो यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो सीधा अपने बहन तारा के पास आती है और उसका इतना बुरा हाल देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। वो यहाँ पर बैठी ही थी कि तभी आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है और बार बार वार करके वो उसे काफी मारता है। मगर तभी पीछे से गार्ड आकर आर्ट को मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि वो अब भी जिंदा था। विक्टोरिया को लेकर आता है और पुलिस को इसके बारे में बताने लगता है। इसी बीच वो देखता है कि विक्टोरिया की हालत काफी खराब है। वो उसे अब इमरजेंसी कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है। तभी यहाँ पर आर्ट आकर गार्ड पर हमला कर देता है। वो पहले सिलेंडर से उसे मारता है और बाद में वो अपने पैर से उसके चेहरे को कुचल देता है। अब घबराकर विक्टोरिया एक लोहे की पाइप से ताला तोड़ने की कोशिश करती है, जो आर्ट ने यहाँ पर लगाए हुए थे। ताला टूट तो जाता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आर्ट उसके काफी करीब आ गया था और फौरन उसे पकड़कर मारने लगता है। मगर तभी विक्टोरिया उसके आंख में एक चीज घुसाकर यहाँ से भाग जाती है। वो भागकर एक गैराज में आती है, लेकिन आर्ट इधर भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर गैराज में ताला लगा हुआ था, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाता। इतने ही देर में पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले विक्टोरिया पुलिस के पास पहुंचती आर्ट एक गाड़ी से गैराज के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसाता है। अब क्योंकि वो गाड़ी से टकरा गई थी, इसीलिए बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब जब तक पुलिस यहाँ पर आती है, तब आर्ट विक्टोरिया का चेहरा नोच नोच कर खा रहा था। अब पुलिस आर्ट को सरेंडर करने को कहती है, मगर वो अपने मुंह में गन रखकर खुद को ही गोलियों से उड़ा देता है। पुलिस को पता चलता है कि विक्टोरिया मरी नहीं है, बल्कि जख्मी है। तो उन सभी के लाशों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और जब डॉक्टर आर्ट की लाश को देखता है तो उसे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि मरने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। तभी यहाँ पर लाइट्स फ्लैक्चुएट होने लगती है और अचानक से आर्ट उठ जाता है और उस डॉक्टर की गले को पकड़ लेता है, क्योंकि वो मरा नहीं था बल्कि वो जिंदा था। इसका मतलब ये था कि अब लोगों का मारने का सिलसिला इस हॉस्पिटल से शुरू करेगा। अब कुछ वक्त के बाद हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो आखिरकार आर्ट का शिकार होने से बच गई, जो अब उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। जिसके बाद हम उसके चेहरे को देखते हैं, जो काफी भयानक दिख रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उस इंटरव्यू वाली लड़की का था। और यहाँ पर पता चलता है कि असल में विक्टोरिया ही वो लड़की है जो इस मूवी के शुरू में इंटरव्यू दे रही थी, जिसके बारे में वो कहा था कि वो बहुत मुश्किल से बची है और एक जोकर ने उसे मारा था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये होती है कि आर्ट ने अपने सिर पर गोली मारी थी, मगर वो तो नहीं मरा। लेकिन क्यों? क्योंकि जितने भी लोग उसे मारने की कोशिश की, उन सभी को मौत के घाट उतरना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हम यह तय नहीं कर सकते कि क्या उसे मारा जा सकता है या फिर नहीं। हो सकता है कि उसे मारा जा भी सकता हो, इसलिए हम आगे की कहानी अगले वीडियो में देखेंगे, जो जल्द ही आने वाली है। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।